लगभग 2-3 दिन पहले हमने देखा था ओला स्कूटर से एक कस्टमर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अपनी ओला एस्पिरेंट प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को आग लगा दी। रिसेंटली एक और न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कस्टमर ने ओला एस्पिरेंट प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी। खरीदने के बाद उनकी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्रॉब्लम आई, स्कूटर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद कस्टमर को ओला की तरफ से ढंग से आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं मिली और इसी बात से ये कस्टमर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि इन्होंने अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को गधे से बांध दिया और फिर पूरे शहर में परेड की। यहाँ पर कस्टमर ने बैनर भी लगाया था कि ओला एक फ्रॉड कंपनी है, इस कंपनी से टू व्हीलर ना खरीदें। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से परेशान हुए कस्टमर कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही इस कस्टमर ने अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेन की है। अब ओला इलेक्ट्रिक ने काफ़ी जल्दबाजी में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है। पहले तो ये ढंग से डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे, डिलीवरी के बाद इनकी स्कूटर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और उसके बाद भी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं दे पाई। इससे कंपनी की अच्छी खासी बदनामी हो गई है। डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से ओला इलेक्ट्रिक की एक ख़राब इमेज बन गई है, पर उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर ओला इलेक्ट्रिक सर्विस भी अच्छी देगी जिससे कस्टमर को इस तरीके से परेशान ना होना पड़े। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।